Asalaamu As alaikum and today we are talking about my favorite writer so for your ppsc fpsc or any university interview this is one of the most frequent questions could, uh, that keep coming to you that who your favorite writer is so the answer to it can either save us or it can uh, like uh, bring to us to some uh, uh, trap of questions where we may ourselves get confused because sometimes we are not ready for this question. Who is your favorite writer? That can either be a poet, a prose writer, a novelist, uh, a critic, whatever you have planned for you. So, this is what you need to be prepared for. You have to this question. Ke liye एंड दिस इज वन ऑफ द लाइक मोस्ट अखरिंग क्वेश्चन इज आई सेकेंड क्वेश्चन विच इज इनवॉल विद जिसकी हम तैयारी नहीं करते हम ये तो डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा फेवरेट राइटर कौन है लेकिन क्यों है दिस इज समिंग डेट वी मिस आउट हम इस चीज को मिस कर देते हैं मोस्टली वी नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट आपने जितने भी अपने फेवरेट राइटर्स को uh, अपने पास ये किया लाइक अ लिस्ट आई हैव ऑफ मोलो मोसेन हामिद जेन ऑस्टन, हेनरी किप्सन, कीट्स ब्राउनिंग शेक्सपियर डिकेंस वर्जीनिया वुल्फ सो यू शुड आल्सो हैव अ वैलिड रीजन आपके पास इसकी एक वैलिड रीजन होनी चाहिए क्योंकि uh, अगर आपको ये राइटर्स uh, पसंद हैं तो क्यों पसंद हैं उनकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी uh, जो आपको लाइक like, uh, सबसे ज्यादा अपील की एंड शुड बी वेरी मच लॉजिकल वेरी मच लॉजिकल आंसर इज डिमांडेड एंड एक्सपेक्टेड जो कि आपको सेव कर सकता है सो so, सिर्फ ये ना सोचें कि आपने अपना फेवरेट राइटर बताना है बल्कि उसके साथ ये भी सोचें कि आप उसकी किस चीज को अपना फेवरेट मानते हैं it's not time lagaya. Now you need to follow your aptitude. Whatever your aptitude is, you're interested in uh, any sort of genre, Aap American literature, American drama, American poetry, prose, uh, English literature, English poetry, English dramas, novels, epic works, whatever you're writing. आप उस चीज को uh, अपने ये मत पूछें किसी से कि मुझे किसको अपना फेवरेट राइटर बनाना चाहिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फॉलो योर ओन एप्टीट्यूड अगर उसमें इफ यू आर कंफ्यूज देन वॉट वी कैन डू इज वी है

इतनी इंपॉर्टेंट या सॉरी इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम उन्हें पढ़ ना सकें दैट इज ऑल टूगेदर हर मेजर वर्क तो उसको पढ़ना उसके ऊपर मूवीज भी अवेलेबल है हम देख भी सकते हैं अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं एंड मजे की बात है सेम फिलोसफी तमाम नावल्स के अंदर है एक फैमिली है बच्चियां हैं शादी नहीं हो रही पैसे वाला बंदा चाहिए शादी नहीं होगी तो पैसे किसी नियर रिलेटिव मेल हेयर को चले जाएंगे और आ, ये सारे इश्यूज हैं

तो इसमें सिर्फ स्टोरीज चेंज हैं, बाकी फिलॉसफी सेम है हर ऑल एक्सेप्ट फॉर ओल्ड मैन एंड द सी। आप इसका कोई नॉवल उठा के देख लें आपको सेम स्टोरी लाइन नजर आएगी कि वॉर है विद इन वॉर या पोस्ट वॉर का मंजर है एक बंदा है जो कि प्रोटैगनिस्ट है जो कि उस वॉर से या सफर हो रहा है या सफर हो चुका है उसे किसी से मोहब्बत हुई वो मोहब्बत भी अपने उस अंजाम को सही तरह नहीं पहुंची माइंड के ऊपर खोफ है जंग का जंग के प्रेशर जंग की होलनाकियां उसके माइंड पे तारी हैं निहिलिज्म है लॉस जनरेशन है कोड हीरोमिंग वे हीरो टाइरो, ट्यूटर, सारे कॉन्सेप्ट हर नॉवल में सिर्फ ओल्ड मैन एन दी में थोड़ी सी चेंज ये है वेर ही Or, rest of the novels, may his all the men are destroyed and defeated. Christopher Molo, very influential writer and very uh, good writer to be made uh, a favorite writer or declared a favorite writer. But do keep in mind, criticism is Criticism means they know a lot many people know about molo most of them are uh, uh, experienced people professor or retired professors so they all know the uh, the old uh, these giants of uh, literature very well then sare and white these are people with smallest molo kibi bhi plays sare and white ki bhi kuch sonnets se to bhi adopt kia ja sakte.

David Crystal from linguistics is a very good choice writing about the theme of uh, cyber communication. Susan Herring, ye bhi iske theme in dono almost same hai. Whereas if you come to the second place, which is uh, people who are hard to defend, like in yev class, all of these are the classics of literature. Agar liya, so you must be knowing a lot about it. Charles Dickens, the Tahasha works. और सारे वर्क्स डाइवर्स हैं विलियम शेक्सपियर बेतहाशा वर्क्स यानी 154 सॉनेट्स एंड 37 प्लेज आई गेस जिसमें ट्रेजेडी कॉमेडीज हैं, कॉमेडीज हैं फैजिटीज हैं और उसके वर्क्स जो हैं, इसके ऊपर बहुत काम हुआ जॉन कीट्स सिक्स मेन ओड्स उसके बाद हाइपीरियन लेमिया और बहुत कुछ एंटिमियन जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट 12 बुक्स पैराडाइज रिगेन्ड फोर बुक्स

लेकिन इसके साथ साथ ये याद रखिएगा कि क्रिटिसिज्म इज सेयर अबाउट सेम इज केस विद जॉर्ज इलियट सेम इज केस विद नॉम चोम्स फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स सो दीज आर द पीपल जिनका नाम लेना इजी है लेकिन इनको डिफेंड करना मुश्किल है आप अगर फॉर एग्जांपल वन ऑफ अस वेरी डियर फेलो ही सेड शेक्सपियर सो शेक्सपियर को अगर हम लेते हैं तो उसके लिए फिर कम कम जरूरी है कि शेक्सपियर की ट्रेजाई कॉमेडीज़ इसकी फेमस ट्रेजिडीज और इसकी कुछ कॉमेडीज हमने पढ़ी होनी चाहिए ठीक है यानी कि हम दो तीन वर्क्स को यानी शेक्सपियर के अगर थर्टी सेवन प्लेज हैं तो हम चार वर्क्स में शेक्सपियर को अपना फेवरेट डिक्लेयर करना बेवकूफी होगी फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सेलेक्ट टू राइटर्स फ्रॉम जॉनरास ऑल अबाउट योर एप्टीट्यूड एक पोइट और एक नॉवलिस्ट कह लें एक नॉवलिस्ट और एक ड्रामाटिस्ट कर लें एक ड्रामाटिस्ट और एक पोइट कर लें वट एवर यू फील बेटर लेकिन ये तब करें जब इफ यू थिंक यू हैव टाइम इनफ और या आपने इतने वर्क्स पढ़े हुए इससे ये होगा कि आपका थोड़ी सी एक वराइटी नजर आती है आपकी टॉक में कि हर बंदा एक एक राइटर बता रहा है और आपने दो बताए कि आई एम कंफ्यूज बिटवीन हेमिंग वे एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दोनों मुझे अपने अपने में बहुत पसंद हैं एंड यू शुड बी प्रिपेयर फॉर देम और ये एक अच्छा इम्प्रेशन देगा देन यू शुड हैव अ पोटेंशियल रीजन फॉर दे फेवरेट तो भाई आपने मॉलो कहा कि व्हाई मॉलो देन क्यों पसंद है मॉलो उसमें क्या ऐसी बात है जो कि आपको लगी कि ये सबसे डिफरेंट है असन, अब यहाँ पे जेन ऑस्टिन को प्रोटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे हेमिंग को प्रोटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हाँ इप्सन को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं कीट्स को कर सकते हैं ब्राउनिंग शेक्सपियर डिकेंस डिक्फ और बोसन हामिद लेकिन जेन ऑस्टिन के बारे में हेमिंग के बारे में कुछ जो जिनकी स्टोरी लाइन ऑलमोस्ट सेम होती है हम उसमें क्या चीज फेवरेट कहेंगे ये और ये नहीं कि हम नहीं कह सकते वी yes, कैन लेकिन हमें वो ढूंढना है रीजन कि वो रीजन क्या है भाई कि जिसकी वजह से ये हमें पसंद है एंड दैट शुड बी वेरी सॉलिड आर्गुमेंट वेरी सॉलिड आर्गुमेंट जो कि आपके इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सके इंफ्लुएंस कर सके देन अब क्या होना चाहिए इसमें वेन वी आर डिस्कसिंग मस्ट है वर्क्स टू वर्क समरी ऑफ द रेस्ट एटलीस्ट अगर उसके वर्क थोड़े हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉकउ जेन ऑस्टन सो आपने प्राइड एंड uh, पढ़ लिया कम अज कम बाकी वर्क की समरी आपको पता हो तो इसकी मुनासबत से मैं दो कह रहा हूं कि six में से, out of six, आप ट्यू जो है उनकी डिटेल पढ़ लें और बाकी की समरी पढ़ लें हम शेक्सपियर के साथ ये नहीं कर सकते शेक्सपियर के चार प्लेस पढ़ ले और बाकी समरीज कर ले नो वो हमें रून कर देगा ये अब जो आपका फेवरेट वर्क है उसमें से कुछ कोटेशन भी आनी चाहिए ना कोई वर्क एक दफा पढ़ के हमारा फेवरेट नहीं हो जाता वी रीड द वर्क टाइम एंड अगेन एटलीस्ट टू ट्राइस वर्क को So we should be knowing the quotations. And then, learn by heart a dialogue or a stanza. Koi ek stanza ya dialogue aapko yaad If poet, then at least one or two stanzas. Or agar, uh, what the field be lost, all is not lost, the unconquerable will and the spirit of revenge. So is apko aapko jo favorite hai, uske kushna kuch works yaad Then read some criticism about them. If you have time, if. Then you should go for what ट पीपल से अबाउट तो क्रिटिक्स ने उनके बारे में क्या बात approach bhi आपको उनके And भी पता लगे then know their biography. Unki उनकी bhi pata होनी चाहिए If you like Molo, आपको पता होना चाहिए Molo कब पैदा हुआ कब मरा कैसे मरा क्या क्या उसने लिखा कब उसने चर्च को ज्वाइन किया पहले इतना secular टाइप क्यों था यूनिवर्सिटी विथ क्यों कहलाया ये सारी चीजें Molo के बारे में आनी चाहिए Drawing Room novels, stories theme All these things are necessary about the writer. Now, this can be about uh, let's say for Thomas Hardy. I started liking Thomas Hardy after reading his tests. Now these are logics. I was full of praise for her, for the beautiful and innocent Tess who went through the difficulties of life in a heroic manner. After this, I read Return of the Native. This was followed by Far for, uh, From the Maddening Crowd, The Mayor of Castle Bridge, and uh, Jude Obscure. Hardy impressed me much. He has given me unforgettable characters. I also learned from Hardy's novels that happiness is in human life is very rare. I also learned that man is a tool in hands of fate. There is some unseen owner. Which is always working to destroy human happiness. Nature also plays a very important role in the novels of Hardy. There is no divine spirit in the object of nature. His description of landscapes is very beautiful. His rustic characters provide me, provide some fun to the reader. On the whole, Hardy gives the impression of a great novelist. So this is how you can conclude. With your favorite writer, the way you made your introduction. Now, in the same way, you need to make uh, something or some uh, or a one single and very good paragraph about your favorite writer, poet, dramatist, novelist, whatever it is.